आयुष्मान भारत योजना जन जागृति अभियान के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार विधिक सेवा समिति देवास के निर्देशन में बुधवार के दिन जन जागृति बाइक रैली निकाली गई। विधिक सेवा समिति बागली द्वारा सभी न्यायाधीश और एसडीएम की उपस्थिति में बागली मुख्यालय पर न्यायालय परिसर में शासकीय अस्पताल परिसर तक संयुक्त रूप से जन जागृति बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। उक्त बाइक रैली न्यायालय परिसर में न्यायाधीश राजकुमार यादव के बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई शासकीय अस्पताल पहुंची, जहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रैली का समापन किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीशों द्वारा उक्त योजना के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। बागली से रवि पटेल की रिपोर्ट। कार्यक्रम किया गया है, बाइक रैली निकली गई, क्या उद्देश्य और क्या संदेश देना चाहे थे? आज बागली में जो आयुष्मान भारत योजना के जन जागृति के संदर्भ में ये रैली निकाली गई। इस रैली हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा निर्देशित किया गया था, और उस निर्देश का अनुपालन करते हुए अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के निर्देशन में, उनके तत्वाधान में यहाँ तहसील विधिक सेवा समिति बागली द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई जो हमारे भारतीय संस्कृति की थीम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, अर्थात कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, सर्व और सुखी सुख दिखे, हर व्यक्ति सुखी है, दीन हो दरिद्र हो, वो इस कारण से या स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना हो जाए कि उसको समय पर आर्थिक अभाव में अपना इलाज ना करा पाया। हमने अभी विगत दिनों देखा है, कोरोना महामारी का प्रकोप देखा है, वो सब के सहयोग से ही उससे हम मुकाबला कर पाए हैं। आज जो हम और आप आज यहाँ खड़े हैं, वो उस हमारे आपसे सहयोग के कारण ये संभव हो पाया है, क्योंकि उन दिनों में जीवित रहना सबसे बड़ा मुद्दा था, स्वस्थ रहना सबसे बड़ा मुद्दा था, और उस कोरोना की लड़ाई में हम जीते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।